बिहार में एक बार फिर से जोरदार बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बिहार के 5 जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश होने के संकेत हैं। शनिवार और रविवार को प्रदेश के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में 1 या 2 जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी भागों में इन दिनों मौसम सक्रिय बना है और दक्षिणी भागों के कई जगहों पर बीते दिन गुरुवार को बारिश हुई है। बता दें कि जहानाबाद में भी सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं बुधवार और गुरुवार के बीच यहां 119.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना समेत प्रदेश के गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, बेगूसराय और लखीसराय जिले के 1-2 जगहों पर तो वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले के कई जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं बता दें कि बाकी अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं बता दें कि गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 38.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं आपको बता दें कि बुधवार से गुरुवार के बीच नालंदा के एक जगह पर 119.4 मिलीमीटर तो वहीं इस्लामपुर में 88.6 मिलीमीटर, अररिया जिले के फारबिसगंज में 68.2 मिलीमीटर, रोहतास के इंद्रपुरी में 62.4 मिलीमीटर और साथ ही जहानाबाद के काको में 56.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बात अगर जहानाबाद की करें तो जहानाबाद के घोसी में 33.6 मिलीमीटर, भभुआ के अधौरा में 32 मिलीमीटर, शेखपुरा में 27.2 मिलीमीटर, मुजफ्फरपुर के सरैया में 22.6 मिलीमीटर तो वहीं सिवान के महाराजगंज में 21.2 मिलीमीटर तो साथ ही पचरुखी में 21.2 और राजधानी पटना में 3.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बता दें आपको कि मॉनसून इस वक्त ट्रफ रेखा जैसलमेर, नरनौल, शाहजहांपुर, वाराणसी, गया, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। साथ ही साथ एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण झारखंड व इसके आसपास इलाकों में बना है। इन सभी मौसमी प्रभाव के चलते प्रदेश के दक्षिणी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान जताया गया है।